कक्षा 8वीं, उसमें से विषय हिंदी और आज हम व्याकरण लेंगे। व्याकरण में शब्द के भेद, कौन से हैं आज हम देखेंगे। शब्द भेद में शब्द की परिभाषा क्या होती है, क्या है शब्द ने, ये हम देखेंगे। तो शब्द भेद में विकारी शब्द और उनके भेद देखिए। उससे पहले हम शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों छात्राएं, हम जब भी बोलते हैं उस शब्द से एक वाक्य बनता है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्ण जो है ना, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि न वर्ण है, ग वर्ण है, र वर्ण है, तीनों को मिलाकर न का अर्थ होता है क्या, ग का होता है क्या, र का होता है क्या, नहीं। या तीनों वर्णों का इकट्ठा बोले न ग र, यह शब्द है, इसका अर्थ है नगर ने शहर। इसलिए इसे शब्द क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कोई तो अर्थ है, इसलिए कहा गया है कि ये न ग र ये जो है तीनों मिलाकर ये शब्द बना है, उसका अर्थ बन गया है नगर ने शहर, इसलिए उसे शब्द कहते हैं। अब देखिए हम उल्टा करेंगे, नगर का न ग र है ना, र ग न ऐसा लेंगे, र ग न, रगन यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखिए, जिसका अर्थ है उसे शब्द कहते। देखिए न ग र र ग न, नगर का अर्थ आपको मालूम हो गया और रगन का नहीं। अभी हम शब्द का परिभाषा देखे हैं, उसके उदाहरण भी देखे हैं और उसी शब्द के अब भेद यानी प्रकार अब हम देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं आपको मालूम हो गया, फिर अब उसके प्रकार जो है वो होते हैं। उसमें शब्दों के भेद दो प्रकार के हैं। पहला है जो विकारी शब्द होते हैं यानी सवे, वे उसके नीचे होता है, और दूसरा है अविकारी शब्द यानी अवे, ऐसा होता है। तो शब्द के दो भेद है, उसमें विकारी शब्द और अविकारी। विकारी के चार भेद है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए अविकारी शब्द के जो चार भेद हैं वह क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार 8 शब्द के भेद है, उसकी हम जानकारी लेंगे। विकारी शब्द यानी स्वेय, वेय यानी डिक्लाइनेबल वर्ड्स, विकारी शब्द यानी स्वेय, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। देखिए जिन शब्दों के रूप में लिंग यानी जेंडर, वचन यानी नंबर और कारक यानी केस आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। छात्रों ध्यान में आ गया, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक का क्या होता है आदि के अनुसार विकार का परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं, यानी इस विकारी शब्द के भी चार प्रकार है। पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम,
तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। यानी भेद विकारी के कितने हैं? चार। पहला कौन सा है? संज्ञा यानी नाउंस। दूसरा कौन सा है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? विशेषण यानी एडजेक्टिव। और चौथा कौन सा है? क्रिया यानी वर्ब। संज्ञा देखिए, जो विकारी शब्द है उसके चार भेद हैं, उसमें से एक संज्ञा एक भेद है, भेद है, और उस संज्ञा के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। अब अपनी कॉपी में मेरे प्यारे प्यारे छात्रों छात्राएं, संज्ञा की जो परिभाषा है वो अपने कॉपी में लिखिए। संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है, किसी यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप यहाँ ले सकते हैं, किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, ये भी परिभाषा है। अभी देखिए, ये संज्ञा की परिभाषा आपने अपने कॉपी में लिख लिया है, कोई बात नहीं। संज्ञा के और भेद होते हैं। संज्ञा के भेद निम्नलिखित रूप में लिखे हैं। यह जो संज्ञा के भेद हैं वे कितने हैं? पांच। संज्ञा के भेद कितने हैं? पांच। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। नंबर चार, समूहवाचक संज्ञा। नंबर पांच, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसमें से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेते समय उसकी परिभाषा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो लिखिए अपनी कॉपी में मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि। ये सभी जो उदाहरण हैं, बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ने कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति के नाम, यहाँ देखिए व्यक्ति के नाम है कल्पना चावला, महात्मा गांधी, यह आदि व्यक्ति के नाम है। प्रसिद्ध इमारत के नाम देखिए, कुतुब मीनार है, लाल किला है आदि, ये क्या है? संज्ञा है। देशों व शहरों के नाम, भारत, जापान आदि, ये सभी शहरों के नाम, ये संज्ञा है। त्यौहार और दिनों के नाम, होली, ईद, सोमवार आदि, ये भी संज्ञा है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। इसमें आप खेलों के नाम भी ले सकते हैं, फुटबॉल, हॉकी आदि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार
व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण हम लिए हैं। आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आगे, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है, फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि ये जात हैं। जैसे कि पुस्तकें हैं, स्त्री जात है, पुरुष जात हैं, ये सभी जात हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का खेलता है, पेड़ गिर गया, देश महान है, इसके उदाहरण के तौर पर बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा पहचानना बहुत आसान है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इस प्रकार हम परिभाषा कर सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष और दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञा के खुशहाली है, एकता है, दुख है, हरियाली है, भलाई है, वीरता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दे सकते हैं। और भी दे सकते हैं, बुढ़ापा है, ये मोटापा है, लंबाई है, गहराई है, मिठास है, चंचलता है, तो सभी सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मैंने उसके साथ दुश्मनी मोल ली, दुश्मनी ये भाव है। पहाड़ की ऊंचाई बहुत है, ऊंचाई ये भाव है। और मुझे दिन भर चलने का कारण थकान महसूस होता है, ये भी थकान जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। भाववाचक है वह, उसके भाव जो है लंबाई है, गहराई है, बुढ़ापा है, मोटापा है, मिठास है, चंचलता है, दुश्मनी है, ऊंचाई है, थकान है, ये सब भाव है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा से कहते हैं। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अब संज्ञा के भेद में चौथा प्रकार जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार हम कर सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉपी में लिखिए, जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके हम उदाहरण बहुत से दे सकते हैं, पानी ये द्रव्य है, घी मालूम है आपको, परिवार है, वो भी द्रव्य है, कि चावल है, सोना है, चांदी है, ये भी द्रव्य हो सकता है, पतला हो सकता है ना गर्म करने के बाद। और द्रव्यवाचक का और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, वही देखिए यहाँ लोहा है, सकते हैं, और तेल है, सकते हैं, ये सभी जो है जिस जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है बोध उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में उदाहरण के तौर पर हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, पदार्थ, सेना का, द्रव्य का बोध होता हो, परिवार, भीड़, गुच्छा, यह बहुत महत्वपूर्ण, टुकड़ी, अभी सोना ले लीजिए, दरबार आदि बहुत से उदाहरण हम समूहवाचक संज्ञा के तौर पर हम दे सकते हैं। क्योंकि समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, संख्या आदि दिखाई देता है, जैसे कि गुच्छा है, संस्था है, सभा है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस प्रकार
आप समूह उसमें दिखाई देता है जिस शब्द में, उसे समूहवाचक संज्ञा कहना ठीक है। जैसे कि हम दरबार में बहुत से लोग होते हैं, परिवार में बहुत से लोग होते हैं, झुंड है तो झुंड में लोग होते हैं, कक्षा में छात्र होते हैं, समूह में इकट्ठा खड़े होते हैं। यह जो शब्द है, ये सभी जो शब्द हैं वह समूहवाचक संज्ञा दर्शाते हैं। इसलिए संज्ञा का जो भेद है वह पांच हैं। तो देखिए, यह जो पांच हैं संज्ञा के भेद, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके ऊपर अब हम उदाहरण लेंगे। हम अब एक आवृत्ति लेंगे। देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में टैक्सी से हम मड़गांव पहुँचे। मड़गांव ये क्या है? नाम है। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर ठंडे डंडे बरसा दिए। देखिए, यहाँ रहमान और लक्ष्मी क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। तो अब हम आगे जातिवाचक के उदाहरण लेंगे। यहाँ जातिवाचक के उदाहरण हम ले सकते हैं। अब तख्त को ऊपर मोड़ दे, भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते हैं। ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। इज्जत है गाय भैंस, भिक्षु बहुत से होते हैं या इसमें तख्त बहुत होते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में उदाहरण लेंगे। देखिए, यहाँ उदाहरण दिए हैं। भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। इसमें जो भाव वह है आलोक। रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। बेदर्दी ये क्या है? भाव है, उसे दर्द वर्द कुछ नहीं आया है। लेखक की यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आए। देखिए, हमदर्दी ये भी भाव है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देते हैं। दाल में घी डालो, घी ये क्या है? द्रव्य है। लक्ष्मी ने दो दिन से दूध नहीं दिया। दूध ये क्या है? ये द्रव्य है, इसलिए द्रव्यवाचक से कहते हैं। आखिर में हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में अभी जानकारी लेंगे, उदाहरण लेंगे। भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। चीन और भारतीय की अभी जो घमासान युद्ध हो रहा है, छुपा युद्ध हो रहा है, उसमें से चीनियों की हम भारतीय सेना जो है उसे छक्के छुड़ा। सेना क्या है? इस समूह है। भारतीय सेना ने बहुत लोगों ने एक ने क्या क्या नहीं। बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। यहाँ झुंड जो है वह समूह है। किसका झुंड है? बकरियों का। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। ये भी टुकड़ी जो है यह समूह है। तो इस प्रकार आपके सामने कई यहाँ दे रहा हूँ। आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों छात्राएं, यह जो शब्द हैं यह आप अपने कॉपी में लिखिए और संज्ञा के भेद पहचान कर वहाँ लिख सकते हैं और मेरे तरफ से जांच भी करवा सकते हैं। तो देखिए, लिख लीजिए शब्द हैं संज्ञा के भेद पहचानने के लिए। पहला शब्द लिखिए कॉपी में, पानी, इसके भेद पहचानना है। सभा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ शत्रुता। पानी, सभा, शत्रुता। घी, अली, अली के बाद आप झुंड। और गाय, गाय के बाद बाहुबली। अभी उसके बाद लक्ष्मी। ये सभी शब्द जो है अपने कॉपी में लिखिए और संज्ञा के भेद के जो पांच प्रकार हैं वह सभी आप पहचान सकते हैं, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और यही मैं शब्द भेद जो है
यह खत्म करता हूँ। धन्यवाद।